चलिए अब हमको ये डिस्कस करना है कि अगर हमको स्टडी ग्रोथ चाहिए है तो वो कैसे मिलेगी। हेरोड के हिसाब से किसी भी इकोनॉमी में स्टडी ग्रोथ को अचीव करने के लिए जी का जी डब्ल्यू के बराबर होना जरूरी है, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट जब वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर हो जाएगी तो हमको एक स्टडी ग्रोथ, एक स्थिर ग्रोथ मिलेगी। हर साल जो ग्रोथ हो रही है वो एक जैसे रेशियो में बढ़ेगी, यानी कि यहां पर सी इक्वल टू सी आर हो जाएगा। मतलब ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है जो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है एक्चुअल ग्रोथ के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगा? उस कैपिटल आउटपुट रेशियो के लिए जो वारंटेड ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, यानी कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। ये ऐसी पोजीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दो सिचुएशंस और होती हैं, जब जी बड़ा हो जाए जी डब्ल्यू से और जी छोटा हो जाए जी डब्ल्यू से, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट बढ़ जाए। इस कंडीशन में क्या होगा? जो कैपिटल रिक्वायर्ड है एक्चुअल ग्रोथ के लिए वो कम हो जाएगा उस कैपिटल आउटपुट रेशियो से जो वारंटेड ग्रोथ में जरूरी होता है, और इस कंडीशन में सी बढ़ जाएगा सी आर से। तो ये सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम की होती है। सबसे पहले हम ये वाली सिचुएशन को देखते हैं जो जी बड़ा है जी डब्ल्यू से। देखिए इस पोजीशन को हम ऐसे समझते हैं कि इनकम का ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा आउटपुट के ग्रोथ रेट से। सपोज जी है इनकम, जी जो है ग्रोथ रेट इनकम को दर्शा रही है, एक्चुअल ग्रोथ जो हो रही है, लोगों के पास इनकम ज्यादा आ रही है, जो वारंटेड ग्रोथ था उससे भी ज्यादा आ रही है। बताइए, तो इनकम ज्यादा हो रही है और कैपिटल कम होता जा रहा है, कैपिटल कम है यानी कैपिटल कम है यानी कि आउटपुट भी कम आ रहा है। कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि आउटपुट की ग्रोथ कम है। ऐसी सिचुएशन में जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, और जब आउटपुट गिर रहा है तो सप्लाई कम होगी, लोगों की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम हो जाएगी। इस पोजीशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा, लोग डिमांड करेंगे और उस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक और तरीके से आप सोचिए, अगर कैपिटल गिर जाता है तो क्या होगा? सप्लाई लेस हो जाएगी और इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये एक कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में अगर एक्चुअल ग्रोथ हमारी नीचे हो गई वारंटेड ग्रोथ से, यानी कि कैपिटल बढ़ गया, तो क्या होगा? इनकम की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी आउटपुट की ग्रोथ रेट से, यानी कि क्या होगा? डिमांड अब लोगों की कम हो जाएंगी, लेकिन प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हो रही है तो चीजें वैसी पड़ी रह जाएंगी, तो उनके दाम कम करना पड़ेंगे उनको बेचने के लिए, तो क्या होगा? डिफ्लेशन आ जाएगा। इसको कैपिटल के हिसाब से भी समझ लीजिए, अगर कैपिटल बढ़ गया तो क्या होगा? लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा की उनने और डिमांड लेस है तो भी डिफ्लेशन आएगा। तो ये दो कंडीशन बन रही हैं, और ये दोनों कंडीशन ये बता रही हैं कि अगर हमको स्टेडी ग्रोथ चाहिए हो तो जी और जी डब्ल्यू के बीच में एक बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। एक फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी में ये बहुत डिफिकल्ट है कि जी और जी डब्ल्यू के बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स बिल्कुल टोटली अलग अलग तरीकों से डिटरमाइन किए जाते हैं, और अगर थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाए जी से जी डब्ल्यू का तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं, स्टडी ग्रोथ का जो पाथ है उससे हम भटक सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका बैलेंस एक चाकू की धार के ऊपर टिका हुआ है, हल्का सा भी डेविएशन आया और ये सिचुएशन भंग हो जाएगी। तो ये सिचुएशन नेचुरल सिचुएशन नहीं होती है, या तो जी बढ़ता है या जी डब्ल्यू बढ़ता है। लेकिन जब हम नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें, जी एन, ये वो ग्रोथ रेट है जो नेचुरल कंडीशन से गवर्न होता है। सपोज लेबर फोर्स कितनी अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है, कैपिटल इक्विपमेंट्स क्या क्या है हमारी इकोनॉमी में, और टेक्निकल नॉलेज कितनी है, उसके हिसाब से जो भी हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है उसको बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट, जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। यानी हम इसकी वजह से हम पार नहीं जा सकते इसके, यानी एक तरीके का ये लिमिट है। लेबर जितनी हम उतने ही इस्तेमाल कर पाएंगे, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है तो हम उतने ही इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी एक तरीके की सीलिंग है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग कही जाएगी, ये एक अपर लिमिट है जिसके आगे हम आउटपुट नहीं कर सकते या जिसके बाद आउटपुट संभव नहीं है। अगर इस अपर लिमिट को बदलना है तो हमको प्रोडक्शन फैक्टर्स को ग्रो करना पड़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजिकली हमको प्रोग्रेस करना पड़ेगा,
तो इसका इक्वेशन है जी एन सी आर इज इक्वल टू एस। सी आर आपको मैं बता चुका हूं, एस बता चुका हूं, जी एन नेचुरल ग्रोथ रेट है, और ये या तो सेविंग्स के बराबर भी हो सकती है और सेविंग्स से बराबर नहीं भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन इसमें हो सकती है। ओके, क्योंकि ये वो ग्रोथ रेट है जिसमें हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वहां तक पहुंच भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी पहुंच सकते अगर हम टेक्निकली साउंड नहीं है तो। जैसे हम टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है तो अपने ही आयरन ओर के खदानों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जापान करता है और हमको स्टील बेच के चला जाता है। खैर, अब देखते हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है। GW एंड GN यानी कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वारंटेड ग्रोथ रेट है और नेचुरल ग्रोथ रेट है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो ये तीनों बराबर होंगे। यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के अगर बराबर होता है, अगर ऐसा है इस केस में, तो स्टेडी ग्रोथ हमारे को अचीव हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि बहुत सारी रुकावटें होती हैं जो बीच में आकर इस बैलेंस को बिगाड़ देती हैं और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस रिलेशन को मेंटेन कर पाए। तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो जी एन छोटा होगा जी डब्ल्यू से, यानी नेचुरल ग्रोथ रेट छोटी होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से, या नेचुरल ग्रोथ रेट बड़ी होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से, क्योंकि बराबर तो है नहीं। तो ये दो कंडीशन बनती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेचुरल ग्रोथ रेट बड़ी है, सपोज ये वाला लेते हैं हम पहले, अगर ये बड़ी है वारंटेड ग्रोथ रेट से तो क्या होगा, जी भी बड़ा होगा जी डब्ल्यू से। यानी अब अगर नेचुरल ग्रोथ रेट बड़ी है तो एक्चुअल ग्रोथ रेट तो बड़ी होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से। इस फिगर में देखिए, टाइम के हिसाब से ये है जी एन जो कि बड़ी है जी डब्ल्यू से, तो जी ऑटोमेटिकली एक्चुअली है क्योंकि अभी की है वो, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल ग्रोथ रेट वही है, एक नेचुरल ग्रोथ रेट जहां पर हमारी इकोनॉमी जहां तक जा सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली। तो इसके ये अगर वारंटेड से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत बूम पे चल रहे हैं, हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। ये एक तरीके से इनकम को बढ़ा देगी और इन्फ्लेशन ले आएगी, ये वो कंडीशन है। इसको चेक करने के लिए सेविंग्स को देखना पड़ेगा कि लोग सेव कितना कर रहे हैं अपनी इनकम का। अगर हमने उनकी सेविंग्स को बढ़ा दी तो वो खर्च कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगर जी डब्ल्यू बड़ा हो गया, यानी वारंटेड ग्रोथ रेट बढ़ गया जी एन से, तो क्या होगा, हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट कम हो जाएगी वारंटेड से। तो यहां पर कंडीशन आ सकती है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि जितनी हमको चाहिए थी हम उससे नीचे हैं, नेचुरल भी और एक्चुअल भी। तो ये तीन कंडीशंस बनती हैं, इसके हिसाब से हम अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी करनी है। ओके, तो ये था आपका हेरॉड मॉडल। अब हम करेंगे डोमर का मॉडल।